Hello students, today we are going to discuss one questions, very interesting questions of algebra. Now the question is 2 to the power 40 or 20 factorial. ठीक है ना, इसमें से प्रूफ करना है आइदर ये इससे ग्रेटर है, इसको प्रूफ या डिसप्रूफ करना होगा. ठीक है ना, तो प्रूव इट और डिसप्रूव इट, इसको प्रूफ करो या फिर इसको डिसप्रूव करो. ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन हम लोग ऐसे करते हैं कि पहले RHS लेते हैं जो 20 फैक्टोरियल है. तो अगर 20 फैक्टोरियल को अगर हम तोड़ते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करके ये अप टू 20 आ जाएगा. तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 20 टर्म्स है टोटल. ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर जो टर्म्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है 40 है. तो अगर हम LHS को ले और इसको अगर ब्रेकअप करें तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये टर्म जो आने वाले हैं, ये टोटल टर्म कितने हो जाएंगे इंटू 2, 40 टाइम्स प्रेजेंट है. तो अभी हम काम करते हैं, यहाँ पर 20 प्रेजेंट है तो इसको भी 20 में कन्वर्ट करते हैं. तो इसकी वजह से दो दो टू को एक पेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो आधा हो जाएगा टर्म. तो लास्ट वाला पेयर होगा 2 इंटू 2. अब मेरे पास कैसा टर्म है, टोटल मेरे पास 20 पेयर्स है ना, एक एक पेयर में 2 इंटू 2 है. तो मेरे पास अभी 20 टर्म्स है और इस टर्म का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 4 है. तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे करके मेरे पास टोटल जो है 20 टर्म्स है. अब इस दोनों में नंबर ऑफ टर्म जो है मैंने इक्वल कर दिया, RHS और LHS में दोनों में नंबर ऑफ टर्म इक्वल है. अब इसका अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो इसका रेशियो कैसा आएगा, इसका रेशियो मैं ऐसा ले सकता हूँ, यहाँ पर RHS बाई LHS करते हैं. तो RHS में पहला टर्म जो है वो 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, देन 4 है, देन 5 है, ऐसे करके 6 है, 7 है, इन दिस वे लास्ट टर्म जो है वो 20 है. और मेरे LHS में एवरी टर्म जो है वो 4 है. तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, देन 7/4, देन यू हैव 8/4. इन दिस वे ये चलता रहेगा, लास्ट में 20/4. तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है, इसका ये जो फ्रैक्शंस है, इसका वैल्यू लेसर देन 1 है, इसका भी वैल्यू लेसर देन 1 है और इसका भी वैल्यू लेसर देन 1. यहाँ पर वैल्यू 1 है और इसके बाद से हर फ्रैक्शंस का वैल्यू जो है मोर देन 1 है. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये 3/4 और मैं ले लूँ 6/4 तो ये हो जाएगा 18/16. तो ये दोनों का प्रोडक्ट मोर देन 1 हो गया. उसके बाद 2/4 इसका वैल्यू आता है 1/2 और 4/8 इसका वैल्यू आता है 2. तो ये दोनों कैंसिल करके 1 आ जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट 1, ये दोनों का प्रोडक्ट मोर देन 1. और अब की बार मेरे पास है ये वाला टर्म कि ये 1/4 है, इसको मैं 16/4 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा, एक टर्म 16/4 आएगा. तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 1/4 और इसके साथ 16/4, तो इसका भी प्रोडक्ट 1 है. तो मेरे पास अब प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं, जितने भी फ्रैक्शंस थे वो सारे फ्रैक्शंस का वैल्यू, इसमें से एक फ्रैक्शन है 4/4 जिसका वैल्यू 1 है और बाकी जितने भी ये जो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन मोर देन 1 है, यहाँ से आपको 1 मिले, यहाँ से 1 मिले. तो ये जो जितने भी फ्रैक्शंस है ये सब कैसे फ्रैक्शंस है जिसका वैल्यू मोर देन 1 आ रहा है. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं RHS ग्रेटर देन LHS, सॉरी. तो नाउ यहाँ पर RHS क्या था आपका, 20 फैक्टोरियल. तो वी कैन से दैट 20 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 40. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय.